नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक विवादित ट्वीट किया है। ट्वीट में ओवैसी ने कहा है कि मुझे अपनी मस्जिद वापस चाहिए। ओवैसी ने एक मैगजीन को दिए साक्षात्कार में कहा कि मैं हर उस चीज का विरोध करूंगा जो भारतीय संविधान के खिलाफ है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के वर्षों पुराने मुकदमे पर फैसला दिया है। फैसले में 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से विवादित जमीन रामलला मंदिर के लिए देने की बात कही है। वहीं मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ जमीन देने के सरकार को निर्देश दिए हैं। अयोध्या फैसले से जुड़े एक सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि यह 2 पक्षों के बीच एक सिविल मुकदमा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कई लोगों का विश्वास है कि राम का जन्म बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे हुआ था, जिसे 1992 में ध्वस्त कर दिया गया था, इसलिए मुझे लगता है कि यह कानून पर विश्वास की जीत है। अयोध्या मामले पर ओवैसी के विचार क्या हैं? यह अलग मुद्दा है, लेकिन फैसले से पहले वे हमेशा कहते रहे हैं कि वे शीर्ष अदालत का फैसला मानेंगे। दूसरी ओर मुस्लिमों के एक बड़े वर्ग ने इस फैसले को खुले मन से स्वीकार किया है। हालांकि ओवैसी अपनी टिप्पणी के बाद ट्विटर पर ट्रोल भी हुए। एक व्यक्ति ने लिखा, मुझे मेरा मंदिर वापस चाहिए जो लुटेरे और दुष्कर्मियों ने ध्वस्त कर दिया था। मिथिलेश नामक व्यक्ति ने लिखा, बाबू ओबीसी ये तो ना हो पाएगा, कुछ भी कर लो, ये बोलकर मुस्लिम समाज को पूरी तरह बदनाम मत करो। एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, हमें हमारा कोणार्क मंदिर वास्तविक स्वरूप में चाहिए। देश का पहला मोबाइल टीवी जो लगातार आपको रखेगा ताजा खबरों से अपडेट, घर से दूर हो या दफ्तर से बाहर, आप कहीं भी हो, खबर छूटेगी नहीं। हर मिनट में ताजा हेडलाइंस के साथ राजनीति, खेल, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और तमाम दुनिया भर की खबरें। न्यूज 360 डिग्री टीवी 24x7 लाइव टीवी, ब्रेकिंग बाउंड्रीज।